इस मॉडर्न एज में मैं समझता हूं कि रिलीजन की कोई ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूं कि आप ये बताएं कि इस मॉडर्न एज में रिलीजन की क्या ज़रूरत है। देखिए, ये बात अपने आप में ठीक नहीं है। मिसाल के तौर पर पहले हमें यह समझना होगा कि मॉडर्नाइजेशन किसे कहते हैं और रिलीजन किसे कहते हैं। मॉडर्नाइजेशन का जो एरिया है वो बिल्कुल अलग है। मॉडर्नाइजेशन इंसान के लाइफस्टाइल को तरक्की देता है। मॉडर्नाइजेशन आपके काम करने के तरीके, आपके जिंदगी गुजारने के तरीके को बदलता है। मसलन, आपकी ग्रैंड ग्रैंड मदर लकड़ियों में फूंक फूंक कर चूल्हा जलाती थी, लेकिन आपकी वालदा ओवन में खाना पकाती हैं, तो मालूम हुआ आपका लाइफस्टाइल चेंज हुआ। पहले इंसान पैदल चलते थे, आज का इंसान हवाई जहाज में चलता है। तो मालूम यह हुआ कि मॉडर्नाइजेशन इंसानी लाइफस्टाइल को बदल रहा है। लेकिन रिलीजन जो है, रिलीजन का एरिया है वैल्यूज, अकदार, कि इंसान को ज्यादा से ज्यादा अच्छा होना चाहिए, उसको सच बोलना चाहिए, उसको धोखा नहीं देना चाहिए, उन्हें कोऑपरेटिव होना चाहिए। यानी रिलीजन क्वालिटी ऑफ मैन को डेवलप करता है, लेकिन मॉडर्नाइजेशन लाइफस्टाइल ऑफ मैन को डेवलप करता है। इसको हम इस मिसाल से समझ सकते हैं कि सपोज आज से 1000 साल पहले किसी गांव का मुखिया अपने झोपड़े से निकलता, नंगे पैर चौपाल पर पहुंचता, चबूतरे पर बैठता, मुकदमा सुनता और फैसला करता। आज सुप्रीम कोर्ट का जज अपने बंगले से निकलता है, अपनी कार में बैठता है, कोर्ट पहुंचता है, मेज और कुर्सी पर बैठकर कंप्यूटर की मदद से फैसला देता है। तो जज और मुखिया, इन दोनों के लाइफस्टाइल में फर्क है, लेकिन एक चीज दोनों जगह कॉमन है, यकसा है। वो क्या चीज है? वो चीज है इंसाफ। इंसाफ करना मुखिया के लिए जितना जरूरी था, जज के लिए भी उतना ही जरूरी है। तो मालूम यह हुआ कि वैल्यूज जो हैं वो हमेशा उनकी जरूरत होती है, चाहे वो 1000 साल पहले का जमाना हो, चाहे आज का जमाना हो, चाहे 1000 साल बाद का जमाना हो। इंसान अगर इतना मॉडर्न हो जाए कि वो चांद पर, मार्स पर आबादी बनाए और वो वहां रहे, तब भी उसको वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी। इसलिए मॉडर्नाइजेशन और रिलीजन में कोई टकराव नहीं, बल्कि दोनों के एरियाज ही अलग अलग हैं।